इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट साइंटिफिक नोटेशन इनटू ऑर्डिनरी नोटेशन। जो क्वेश्चन है वो हमें साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया है और इसको हमने कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो क्वेश्चन है 9.018 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 और ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। 9.018 10 की पावर -6 जब नीचे आया तो पावर ऊपर -6 थी, नीचे आकर वो पॉजिटिव 6 हो गई। तो रकम बन गई 9.018 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 को हम 1 के आगे अगर 6 0 लिख दें तो वो 10 की पावर 6 के इक्वल होता है। तो हमने 10 की पावर 6 को ऑर्डिनरी नोटेशन में लिख दिया क्योंकि हमने क्वेश्चन को हल करके इसका जो एक ऑर्डिनरी नोटेशन वाला आंसर निकालना है तो इसलिए हमने उसमें लिख दिया। तो पहले जो 10 की पावर 6 जो है जो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है तो अब बन गया 9.018 डिवाइडेड बाय 1000000। अब हमने पॉइंट ख़त्म किया तो 1 आ गया, पॉइंट के आगे 3 नंबर है तो नीचे 3 ज़ीरो आ जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई वो करेगा 10 की पावर 6 से। तो 9018 1000000000 हो गया। अब हम 9018 को इस पे डिवाइड करेंगे तो हम देख रहे हैं नीचे वाली रकम बड़ी है। जब नीचे वाली रकम बड़ी हो तो जवाब हमेशा इशारे में आता है, पॉइंट में आता है, ये तो हमें पता है। लेकिन नीचे वाली रकम में सिर्फ ज़ीरो के नंबर्स हैं। जब नीचे वाली रकम में सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो वाले नंबर हों तो उसमें क्या होता है कि जितने ज़ीरो होंगे पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट आएंगे और आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है पॉइंट के बाद टोटल 9 नंबर आएंगे। तो 9 नंबर आएंगे, 9 ऊपर वाली रकम को मिलाकर 9 नंबर आएंगे। अगर नीचे वाली रकम में सारे जो नंबर हैं 1 के बाद अगर ज़ीरो वाले हों तो फिर ये कंडीशन फुलफ़िल होती है। तो 0 पॉइंट के बाद 5 ज़ीरो आ जाएंगे क्योंकि ऊपर 4 नंबर हैं, ऊपर वाले 4 नंबर सबसे एंड पे हमने लिखने हैं। तो इसका मतलब है कि जो है वो जो गुंजाइश है वो सिर्फ 5 ज़ीरो की बनती है। तो इस तरह आंसर आएगा 0.00005 आ जाएंगे और एंड पे ऊपर वाले 4 नंबर आ जाएंगे। तो 9018 क्योंकि हम पॉइंट के बाद सिर्फ 9 नंबर लिख सकते थे तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर आप इसको वैसे भी तकसीम करो तो यही आंसर आएगा, ये आंसर है 0.00009018। और ये आंसर हमारा जो आया है ये आया है ऑर्डिनरी नोटेशन में। हमारा क्वेश्चन जो था वो साइंटिफिक नोटेशन में था और आंसर हमारा ऑर्डिनरी नोटेशन में आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो हम 4 पार्ट को यहाँ हल करेंगे वो 4 पार्ट है 7.865 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। तो हमने पॉइंट ख़त्म किया तो नीचे 1 आ गया, पॉइंट के आगे 3 नंबर हैं तो नीचे 3 ज़ीरो आ गया। मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, 1000 को हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं क्योंकि 1 के आगे 3 ज़ीरो हैं। तो 7865 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। जब 10 की पावर 3 ऊपर गया तो 10 की पावर 3 नीचे पॉजिटिव था, ऊपर जाके पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो 7865 हमें पता है जब मल्टीप्लाई में रकमें एक जैसी हों और मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं। यहाँ 10 है दोनों तरफ, इनकी रकम यानी कि जो नंबर है वो एक जैसा है और इसका मतलब है पावर्स ऐड होंगी। 8 प्लस माइनस 3, प्लस माइनस माइनस होता है तो वो 8 माइनस 3 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा 7865 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 आ जाएगा। 10 के पावर 5 जो है ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, अब हम इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखेंगे तो 1 के आगे 5 ज़ीरो आएंगे। जो 1 के आगे 5 ज़ीरो मल्टीप्लाई करेंगे 7865 से तो आंसर आएगा 7865000000। ये आंसर जो है ये हमारा ऑर्डिनरी नोटेशन में है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मैं एक दफ़ा फिर आपको ये सारा व्यू लेकर दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं ताकि आपको कोई चीज़ मिस ना हो।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और बेल का बटन लाजमी दबाना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।